लोग निकल लें भाभी को लेने के लिए लखीमपुर। मैंने बताया था ना आपको, तो चलो चलते हैं। गाँव का तो मज़ा ही अलग है, बट मुझे मज़ा नहीं आता है। और ये जो कार दिख रही है वो है सोहन दादा की कार, उसमें सोहन दादा आया। यहाँ पे देखो कौन कौन बैठे हुआ, अभी मैं मेन रोड पे आ गया। ये देखो नंदी है, दादा साथ बैठे, सब लोग बैठे हुए। मैं किस किस का नाम बताऊँ, वही देखो अच्छा बैठे हैं। यार कभी दब की गाड़ी में बैठे थे, क्या करते हैं बात। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गेट जो है ये पता नहीं कब खुलेगा और कब मैं नीचे जाऊंगी और कब मेरा मुंह फूटेगा। यार यही सोच से पूरा रास्ता कट गया, बट ऐसा नहीं हुआ, फिर मैंने लॉक कर लिया था। और एक और मस्त चीज दिखाती हूँ, इससे पहले मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको, ये मेरे बालों में लगा और मेरे बाल पति बिगड़ गए। और फिर लो अब आपको बढ़िया चीज दिखाती हूँ कि गुल्लू ना हमारे साथ है, अभी बैठी हुई है, क्योंकि जो कार खाली आ रही थी उसमें वो हरदोई से होकर आ रही थी, क्योंकि उस हरदोई में चाचा थे, दोनों चाचा को और गुल्लू को लेके आ रहे थे। तो जो यहाँ पे दादा बैठे थे तो उन्होंने जगह चेंज कर ली। फिर इसके बाद जो हम लोग का रास्ता कटा ना वो बहुत ही अच्छा कटा। तो हम लोग बैठे दबके थे उसकी अलग बात थी, बट जब हम लोग को जो मजा आया ना पूरे रास्ते आने में जाने में उसकी तो बिल्कुल ही अलग बात थी, बहुत मजा आया था। थोड़ा टाइम कटा ही और गर्मी लगने लगी और यहाँ पे इतना ट्रैफिक, तो गुल्लू ने इसी बात पे कोई बात कही। सुनिए यहाँ दो चीजें नहीं खत्म होती थी, एक ये गर्मी और यहाँ पे ट्रैफिक और वो रास्ता जो कट ही नहीं रहा था। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो लोग पहुंच गए हम लोग नीति के घर पे। ये रहा मुसलमान का सबसे बड़ा दरवाजा, जो भी कहते हो उसे मुझे नहीं पता। हाँ सबके चेहरे पे हंसी आ गई थी क्योंकि हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, भले 5 मिनट मिले पर रेस्ट करने के लिए मिले यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो कुंड मैं जानती हूँ, बस मैं नाम पूछ रही थी, मेरे मुँह से गलत निकल गया था। कुंभकर्ण मर गया, घर का सीन ले नहीं पाए थे, नीति को फटाफट तैयार करवा के हम लोग फिर निकल लिए वापिस भाभी के घर पे। तो और लोग इतनी फास्ट पहुँच गए, बल्कि टाइम लगा था, ये भाभी के घर पे आ गया। जितना देखने में अजीब लग रहा उतना अजीब है नहीं, पहले मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये देखो दुकान दिख रही है, अभी मजा देखो, यहीं पे भाभी के घर है। आप सोच रहे हो कि कहाँ है, कहाँ है, यहीं है। इधर साइड में बाइक दिख रही है आपको, इधर साइड से रास्ता है भाभी के घर का। ये हम लोग चले ऊपर जीना चढ़ के। और मैंने फिर सोमदास का सुना था आपको तो ले लूँ, उन्होंने कहा लो ये मैं ऊपर से रेचा, तो उन्होंने लिया कैमरा में, फिर हम लोग चल दिए ऊपर। रेम में सोचना मुझे वीडियो बनाने नहीं आती यार, किसी का घर यार शर्म आती है, कैसे ले लूँ सब कुछ। मेरा हिले तो इसे इग्नोर करना, बाकी आप इंजॉय करो वीडियो। तो हम लोग जीने से ऊपर है यहाँ से, और यहाँ पे बाबा खड़े हैं, इधर साइड का आपको व्यू दिखाएंगे भी। और यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं, इतना ये बाहर का एरिया है, बहुत अच्छा लगता है यार। वीडियो में तो अच्छा लग रहा है पर रियल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जब हवा चलती है यहाँ पे। पूरे दूर दूर तक खेती है, सब तो भाभी का ही इकलौता घर है यहाँ पे, पर ऐसा नहीं है। और इधर गुल्लू खड़ी, उधर साइड में हो जाएंगे अंदर रूम। ये गेट दिख रहा है फूल जहाँ पर टंगा हुआ, ये पूजा घर है। और यहाँ से एंट्री करेंगे, कन्फ्यूज मत होना, ध्यान से देखना ओके। इसके पीछे यहाँ से भी हम लोग अंदर आए थे ना, तो ये है बरामदा, यहाँ पे दो रूम है, ये किचन है और वो सामने रूम है, उसको रूम में दिखाते हैं आपको। ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और फिर इधर आएंगे तो इधर ये बैठे हुए, अब इसके अंदर दिखाते हैं आपको। ये मैं बैठ गई आके, और यहाँ पे कैमरा पकड़ लिया था नंदनी ने, और वो दिखा रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी सब, उसने कहा लो मैं भी दिखा दूँ। तो फिर मैंने उसके बाद देर से मेरे बैठी हुई थी पूरा रूम, और यहाँ पे हम लोग उसी रूम में आ गए जो मैंने आपको पहले दिखाया था। यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो अभी हम लोग को खाना भी खाना है। और ये मैं सोचना कि तेल दिखाना नहीं है यार, 1 घंटे बाद हम लोगों ने खाना खाया है, क्योंकि हम लोग को जल्दी निकलना भी है। ये भैया लोग खाना लगा रहे हैं, भाभी के भैया हैं, और ये पड़ोस में सब बैठे हुए हैं।
भाई बहन हमारे सबके। मैं ये सोच रही थी कि आने में ये हाल हुआ तो जाने में क्या होगा। बाकी खाना खाने को मिलती हूँ। बेचारी भाभी अपने घर फिर चली। तो भाभी कार के अंदर बैठी हुई है और ये भाभी नहीं। अभी हम लोग वो गुजारे में बैठने वाले चटनी हो जाएंगे हम लोग। क्या बताऊँ, रात भी होने लगी थी तो मैंने थोड़ा सा सीन डार्क कर दिया था। बाकी देखो आप, हम लोग भले परेशान कितना हो पर जो मज़ा आ रहा था ना वो अलग ही था। बिल्कुल चिल करते हुए गए। देखो हम लोग डिग्गी के अंदर बन रहे हैं, जगह नहीं गाड़ी में। एक गाड़ी भरी हुई है, अब लोग भर गई, अब फिर भर गई। हम लोग एक्स्ट्रा आए, पूरा भरा था गाड़ी भरी। ऐसे देखा ऐसे। अभी इतना गेट कैसे बंद होगा जादू से? गुल्लू बैठ चुकी हूँ अंदर। अरे रुको तो पहले पैर बढ़ाओ। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पहले खाना खाएंगे और उसके बाद फिर डांस करेंगे क्योंकि भाभी आ गई हैं, चिल मारेंगे। और वही वो जो हम लोग ने सोचा था, हम लोग ने पहले डांस करा और फिर मौसी को जागरण करना। तो उन्होंने जागरण करा।